साथियों, इस क्षेत्र में नक्सली हिंसा से निपटने में हमारे जवान निरंतर डटे हुए हैं। महाराष्ट्र में हिंसा फैलाने वाले इन माओवादियों के दिन अब गिन चुके हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको सावधान रहना होगा। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, अगर इन महामिलावट करने वालों को जरा भी मौका मिला, तो नक्सल माओवादी आंदोलन को और गति मिलने वाली है। साथियों, जब हमारी सरकार हिंसा के लिए उकसाने वाले अर्बन नक्सलियों को सजा दिलाने का प्रयास कर रही है, तब कांग्रेस और एनसीपी के नेता कैसे उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ये आपने भली भांति देखा। अब तो कांग्रेस ने खुलकर घोषणा की है कि अगर कोई अर्बन नक्सली देश विरोधी काम करता पकड़ा जाए तो उस पर देशद्रोह का केस नहीं चलेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको ये बात मंजूर है? ये कांग्रेस सही कर रही है? ये एनसीपी सही कर रही है? मुझे बताइए, देश का हाल क्या होगा? क्या आपके रहते हुए देश का ऐसा हाल होने देंगे? ये देशद्रोहियों को मुक्ति दिलाने वालों को आप मौका देंगे क्या? क्योंकि कांग्रेस ने देशद्रोह से जुड़े कानून को ही हटाने का फैसला किया है। क्या देशद्रोह का कानून हटना चाहिए? ऐसे नहीं। क्या देशद्रोह का कानून हटना चाहिए? मेरी माताएं बहनें बहुत छठ बड़ी संख्या में यहां बैठी है, बताइए, देशद्रोह का कानून हटना चाहिए? भारत को तोड़ने की कोशिश करने वालों को खुला लाइसेंस मिलना चाहिए क्या? हजारों जवानों के बलिदान का अपमान करने वाली कांग्रेस और उसके साथी एनसीपी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?